नमस्कार, आप देख रहे हैं बिफोर प्रिंट। मैं हूं आकांक्षा। शनिवार और रविवार को बैंक की छुट्टी रहेगी और सोमवार व मंगलवार को बैंकों में हड़ताल रहेगी। बैंक कर्मचारी निजीकरण और नई पेंशन नीति का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इस दौरान स्टेट बैंक की शाखाओं में काम होता रहेगा, साथ ही इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखाएं भी खुली रहेंगी। अब राष्ट्रव्यापी हड़ताल में शामिल होने के बाद बैंक कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन की भी मांग की है। बैंक कर्मचारी आउटसोर्सिंग बंद कर कर्मचारियों को नियमित करने की मांग तो कर ही रहे हैं, साथ ही ग्राहकों से अतिरिक्त शुल्क न लेने की बात भी उन्होंने उठाई है। इन सब मांगों को लेकर 28 व 29 मार्च को बैंकों में हड़ताल रखी जा रही है। यूपी बैंक एम्प्लॉयज यूनियन के मंत्री रजनीश गुप्ता के मुताबिक इस हड़ताल में स्टेट बैंक की यूनियन शामिल नहीं है। स्टेट बैंक की शाखाएं खुली रहेंगी और इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखाओं में भी अन्य यूनियन है, जिसकी वजह से उसकी शाखाएं खुली रहेंगी। इनके अलावा अन्य बैंकों की शाखाएं बंद रहेंगी। शहर में 500 करीब बैंक शाखाएं हैं, जिनमें से करीब 400 शाखाओं में कार्य प्रभावित होगा। सोमवार व मंगलवार हड़ताल का बैंकों पर प्रभाव पड़ेगा। बैंक अधिकारी इस प्रयास में हैं कि हड़ताल में जो कर्मचारी यूनियन शामिल नहीं है, उनके सदस्यों के जरिए शाखाओं में कार्य कराया जा सके। हालांकि यह बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि उनकी संख्या भी बहुत ही कम है और बैंक शाखा को संचालित करने लायक संख्या ज्यादातर शाखाओं में नहीं है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।